नमस्कार किसान भाई, मैं आपका दोस्त एन के शर्मा स्वागत करता हूँ मेरी खेती मेरी फसल। और आज हम कर रहे हैं तैयारी पहले पानी की। पहले पानी पर 3 एकड़ का खेत, इसमें हमने 2967 SD 2967 लगाया हरियर का, और इसमें दे रहे हैं 3 बैग यूरिया के। ये हमने आपको बताया था, यदि आप 50 से 60 किलो प्रति केजी के स्लैब में जाना चाहते हैं तो हमको 1 बैग पहले पानी पर, 1 बैग दूसरे पानी पर और आधा बैग बेसल डोज हम दे चुके हैं। और उसमें हम मिला रहे हैं जिससे अच्छे फुटान हो, कल्ले ज़्यादा बने। ये CRS स्टेज है इसकी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये CRS स्टेज है, ये परमानेंट रूट है, ये पहली रूट है, ये ख़त्म हो जाएगी, ये साइड वाली रूट सर्वाइव करेंगी, ये मुकुट सा बन जाता है, इसलिए इसको कहते हैं CRS, क्राउन रूट इनिशियल स्टेज। और ये यहीं से कल्ले बनते हैं। और इसमें हम मिला रहे हैं 3 एकड़ में दे रहे हैं हम सागरिका, इफ्को का सागरिका। ये सीबेट कोटेड मैन्यूर्स है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिले होते हैं। ये आप देखिए, ये 25 kg है 3 एकड़ के लिए, हमको 8 से 10 किलो प्रति एकड़ देना चाहिए। ये हमने इफ्को बाज़ार से ऑनलाइन मंगाया है और ये आया है 1050 का। इसमें मिला रहे हैं हम WD सल्फर 80% और 33% जिंक सल्फर। ये मोनोजिंक है श्रीराम का, 5 kg पैकिंग है, देख रहे हैं। इसमें 33% जिंक होती है और 15% सल्फर होती है। जिंक फसल में, गेहूं में बढ़वार के लिए होती है, पीलापन नहीं आता, पोटान ज़्यादा होता है, कल्ले ज़्यादा बनते हैं। और सल्फर इस फंगीसाइड के रूप में काम करता है, इसको आगे प्रोटेक्ट करेगा, बीमारियों से भी रोकथाम करेगा। तो हम इसमें 4 चीज़ दे रहे हैं, यूरिया 3 पैकेट, सागरिका 25 kg, जिंक 10 kg यानी 5-4 किलो करीब हमको प्रति एकड़ देना चाहिए, और 2 पैकेट WG सल्फर 3 किलो के यानी 2 किलो प्रति एकड़। ये सब मिलाकर अभी हम दिखा रहे हैं आपको, मिलेगा और फिर उसके बाद स्प्रे करेंगे। कल आज ये घुल जाएगा, शाम को मॉइस्चर होगी, शाम को ओस पड़ेगी, उसमें मिल जाएगा इसकी जड़ों तक, और कल इसमें करेंगे सिंचाई। आप खास सिंचाई के बाद भी दे सकते हैं और सिंचाई के पहले भी दे सकते हैं, लेकिन सिंचाई के बाद देंगे तो कई दिन लग जाते हैं, खेत में इस हालत में होने में चल नहीं सकते, इसलिए हम इसको दे रहे हैं। यह है जिंक, पन्नी हो गया, खोलो इसमें पंगी, वाइट वाइट कलर का हो, पंगी पन्नी होगी। यह जिंक सल्फेट, काट दो, उसे काट दो, बस पलट दो, पलट दो, ये देखिए। अब उर्वरक का स्प्रे हो रहा है, यूरिया सागरिका सल्फर और जिंक 33% जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में 33% जिंक होती है और 15% सल्फेट होती है। इसको दो लोग बखेर रहे हैं, खेत के साझेदार, और कल से होगा इसमें पानी, कल से पानी फेरेंगे। ये जानकारी कैसी लगी हमको कमेंट में ज़रूर लिखिए और दूसरे किसान भाई को शेयर करिए। आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।